हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है टेकमेंट का एक नया वीडियो पे। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैं बोला था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के तरफ से 52 एप्लीकेशंस का नाम बताया गया है जिसको गवर्नमेंट को बोला गया है कि ये जितने भी एप्लीकेशंस है अपने यूजर को बोलने के लिए कि चाहे वो लोग उसको ब्लॉक कर दे या अनइंस्टॉल कर दे। बट इसी 52 एप्लीकेशंस के अंदर दो ऐसे एप्लीकेशन थे जिसका नाम है शेयरिट और जेंडर। हम लोग फाइल शेयर करने के लिए ये दो एप्लीकेशन को बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, बट इसका कोई अल्टरनेटिव मार्केट पे हम लोग ढूंढ नहीं पाते क्योंकि हम लोग इतना दिन से ये दोनों एप्लीकेशन की यूज करते आ रहा है, बाकी कोई भी एप्लीकेशन हम लोग को उतना पसंद नहीं आता है। बट दोस्तों यहाँ पे बता के रखता हूँ, जियो शेयर जो एप्लीकेशन है वो भी ये सेम काम करता है। बट मैंने काफी सारे ऐसे कमेंट देखा, ऐसे मैसेज पढ़ा जहां पे लोग लिखते हैं कि जियो शेयर जो कभी कभी अच्छे से काम नहीं करता है। तो मैंने सोचा दोस्तों क्यों ना आप लोगों को एक अच्छा सा अल्टरनेटिव बता दूं, एक नया एप्लीकेशन का नाम बता दूं जो आप लोगों का ये जो फाइल शेयरिंग पर्पस इसको तो सॉल्व करेगा ही, उसके साथ-साथ आप लोगों को कुछ एडिशनल फीचर्स भी ऐड करके देगा। तो आज के इस वीडियो पे हम इसी प्रेस्टो एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला है आप लोगों को। मैं लेके जाऊंगा मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर, वहां पे मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि ये जो एप्लीकेशन ये कैसे काम करता है, आप लोग कैसे इसको यूज कर सकते हो, उसके साथ-साथ क्या-क्या एडिशनल फीचर्स आप लोगों को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग पहली बार मेरे को इस चैनल पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जरूर से जरूर शेयर कर देना एंड अगर कुछ अच्छा लगा तो कमेंट भी कर देना। चलो दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, वहां पे मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि कैसे आप लोग इस प्रेस्टो एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। So, दोस्तों मैं आ गया हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो देखो दोस्तों पहले आप लोगों को जाना है प्ले स्टोर पे और यहां पे आप लोगों को लिखना है प्रेस्टो। उसके बाद ये वाले ऑप्शन को क्लिक कर लोगे, आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करोगे तो आप लोगों के सामने ऐसे एक लेआउट आएगा जहां पे सेंड एंड रिसीव का ऑप्शन है। बट इससे पहले दोस्तों अब जब इसको इंस्टॉल करके ओपन करोगे तब आपसे कुछ परमिशन मांगा जाएगा, सारे परमिशन को आप अलाउ कर देना। उसके बाद आप लोगों के सामने ये स्क्रीन ओपन होगा जहां पे आप लोगों को सेंड का ऑप्शन है। आप किसी भी फाइल को यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद इसको सेंड कर सकते हो। उसको छोड़ के दोस्तों यहां पे कोई भी फोन अभी मेरे पास ये अटैच नहीं है या स्कैन किया हुआ नहीं है, इसलिए ऐसा मैं सेंड करके नहीं दिखा सकता हूं, सॉरी गाइस इसके लिए। बट दोस्तों यहां पे आप लोग ऐसे सेंड करोगे, फिर रिसीव का ऑप्शन पे जाओगे तो आप शो क्यूआर और स्कैन क्यूआर करके किसी भी फोन को अपने फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इवन यहां पे आप जब क्लिक करोगे यूज नोन डिवाइसेस तब आपके साथ जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है वो सबसे यहां पे शो करेगा। दूसरा जो फीचर है दोस्तों यहां पे एक गेम है छोटा सा वर्ड फाइंड का जो आप लोग यहां पे खेल सकते हो और आपका जो टाइम है उसको आप पास कर सकते हो। नेक्स्ट इस एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा या जिस जो फीचर्स के बारे में बताऊंगा, यहां पे आप इंस्टाग्राम से कोई भी लिंक कॉपी कर सकते हो, उसको पेस्ट कर सकते हो चाहे वो वीडियो का या फोटो का हो। उसके बाद जब आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके इधर डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप यहां पे शेयर बटन पे क्लिक करके उसको शेयर भी कर सकते हो। नेक्स्ट इस फीचर्स के बारे में बताऊंगा यहां पे स्टेटस का, तो आपके फोन पे जितने भी स्टेटस वगैरह आएगा व्हाट्सएप पे वो सारा स्टेटस ऑटोमेटिकली इधर शो करेगा। उसके बाद आप यहां पे जाके इसको शेयर भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो या जो भी है आपके शेयर से जो भी कर सकते हो। फिर एक क्लीनर का ऑप्शन, यहां पे आप स्कैन करोगे तो ये स्कैन होगा। स्कैन होने के बाद आप लोगों को दिखाएगा फिर 144 MB का स्कैन हुआ है, तो आप इसको चाहते हो तो आप यहां पे इसको क्लीन भी कर सकते हो। उसके बाद ये टोटली क्लीन हो जाएगा, आप देख रहे हो क्लीन 144 MB। नीचे आप यहां पे ट्रांसफर के ऑप्शन पे देखोगे तो जितने भी फाइल्स को आप ट्रांसफर किए वो दिखाएगा विद योर डेट। फिर यहां पे आप फाइल एक्सप्लोरर पे आओगे तो यहां पे आप लोगों को सारा फाइल दिखेगा। शॉर्टकट्स भी आप प्लेस्टोर के फोल्डर पे जाके भी देख सकते हो कितने फाइल्स को आप रिसीव किए हो, इवन आप आपके इंटरनल स्टोरेज को भी एक्सेस कर सकते हो। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा यहां पे सेटिंग्स का, तो ट्रस्टेड डिवाइस पे आप जाओगे तो जितने भी ट्रस्टेड डिवाइस आप सेट करके रखे हो वो सारा इधर दिखाएगा। आप इसको शेयर भी कर सकते हो और उसके साथ साथ इसको आप रिसेट भी कर सकते हो। बट प्रेफरेंस पे अगर आप जाओगे तो यहां पे आप लोगों को डार्क मोड का ऑप्शन मिलेगा, आप यहां पे डार्क मोड को सिलेक्ट कर सकते हो। पिच ब्लैक मोड का ऑप्शन मिलेगा तो आप इसको एनेबल करोगे तो ये पिच ब्लैक मोड हो जाएगा। आप यहां पे जो फॉन्ट है उसको भी चेंज कर सकते हो, तो आप इसको भी एनेबल चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो, ये आपके मर्जी है। ट्रस्ट जोन पे जाके आप ट्रस्ट जोन को शेयर करके रख सकते हो। ट्रस्ट जोन से क्या होगा, आपका जितने भी डिवाइसेस है वो एक पर्टिकुलर ट्रस्ट जोन के अंदर रहेगा। फिर यहाँ पे स्टोरेज पाथ वगैरह है, आप लोड थंबनेल्स करना चाहते हो तो आप थंबनेल को लोड करके रख सकते हो। इवन यहाँ पे आप नेटवर्क सर्विस डिस्कवरी को भी एनेबल करके रख सकते हो। इससे क्या होगा, जब भी आपके सामने आसपास
में कोई भी डिवाइसेस रहेगा जिसके पास ये एप्लीकेशन है, तो इस एप्लीकेशन को वो डिस्कवर कर लेगा और आपके फ़ोन के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेवलपर मोड आप चाहो तो इसको कर सकते हो, ऑटो स्टार्ट है। जब आपके आसपास में कोई भी ये कनेक्शन को डिटेक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली ये कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों यही है ये एप्लीकेशन, आप लोग इसको यूज़ करो, आज से शेयर इट और जेंडर को यूज़ करना बंद कर दो। मैं उम्मीद करूँगा ये एप्लीकेशन जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, आप लोगों को हेल्प करेगा। तो आप लोग जितने आपके जाना पहचाना है सबको बोलो शेयर इट जेंडर को हटा देने के लिए और इसी एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए, ताकि आपका जो डेटा है वो भी सिक्योर है, आप भी अच्छे से काम कर पाओ। So, दोस्तों ये था एप्लीकेशन और शायद मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को एप्लीकेशन के बारे में सारा कुछ पता चल जाएगा, आपसे आप लोग इसको अच्छे से यूज भी कर पाओगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके नहीं तो इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो। दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लिया करो तो मेरे को भी अच्छा लगेगा और आप लोगों का जितने भी क्वेश्चन रहेगा मैं सारा क्वेश्चन का आंसर करूंगा। और मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ वो भी आप लोग को आने वाले कुछ वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को इधर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।